हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए कस्टर्ड की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है, खाने में हर किसी को पसंद आती है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 चम्मच कस्टर्ड और कुछ ड्राई फ्रूट्स, 2 कप दूध, चीनी और 1/2 कप दूध। सबसे पहले हम पैन में 2 कप दूध डालेंगे और अब इसे हम उबालेंगे। दूध को चलाते हुए उबालें, दूध उबल जाएगा और थोड़ा ज़्यादा उबालेंगे जिससे दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी को डालकर चला लें जिससे वो तले में बैठे ना। इसे चलाएंगे। दूध जब तक उबल रहा है तब तक इधर हम दूध और कस्टर्ड का घोल तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध मिला करके इसका फाइन घोल तैयार करेंगे, बिल्कुल लम्स नहीं रहे। ये देखिए अच्छे से मिला है। जब भी घोल तैयार करें तो रूम टेम्परेचर पर, यानी ठंडा दूध ही ले, तभी घोल अच्छा बनेगा। गर्म दूध में बिल्कुल भी कस्टर्ड ना घोले। अब दूध अच्छे से उबल गया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड मिलाते जाएंगे, एक हाथ से और एक हाथ से चलाते जाएंगे। एक साथ इसे नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके चलाते जाएं। जैसे कस्टर्ड डलेगा वैसे दूध हमारा थिक होता जाएगा, इसलिए कभी भी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालें। अब इसमें हम बाकी के सभी डाल देंगे और इसे चलाते जाएंगे, चलाते हुए इसे पकाएंगे। देखिए कितना थिक हो गया है ये। अब जाएगा इसमें 2 चम्मच कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, अगर पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। वैसे कोकोनट पाउडर डालने से इसका टेस्ट और भी इन्हेंस होकर आता है। अब इसमें जाएगा ड्राई फ्रूट्स, इन सबको मिला लें। पंखा चला करके इसे 1 घंटे के लिए ठंडा कर लें और उसके बाद इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा करेंगे। फ्रिज में ठंडा करने के बाद ही इसका नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। अब देखिए कस्टर्ड हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, ये और भी थिक हो गया है। ये देखिए अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें कुछ फ्रूट्स ऐड करेंगे। अंगूर डाला हमने, केला डालेंगे, जितने भी सीजनल फल हैं उन सबको आप इसमें ऐड कर लें। कुछ अनार के दाने डालें, सेब हो तो आपके पास सेब भी डालें। अभी मेरे पास सेब नहीं है तो मैंने सेब ऐड इसमें नहीं किया है। इन सबको मिला लें। ये देखिए कितना अच्छा कलर है, हर किसी को खाने का मन करेगा इसे, कितना टेम्पटिंग कलर आता है अनार के दाने डालने से। आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएँ। मेरी रेसिपी पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।